हेलो फैमिली, कैसे हो? स्वागत है पुकेचो के एक नए वीडियो में। तो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है आप कैसे पोकेमोन कैंडी गेट कर सकते हो। तो गाइस देखो, पोकेमोन कैंडी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ, पोकेमोन कैंडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप एक GBL प्लेयर मतलब GBL में अच्छे से बैटल करना चाहते हो, फिर तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टास्क है जो आपको रेगुलर फॉलो करना है, ठीक है। तो गाइस, तो कैसे मिलेगा उससे पहले एक चीज सुन लो, क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गाइस देखो, कोई भी पोकेमॉन को जब आप लेवल अप करोगे, अगर आपको लेवल अप के बारे में नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं। देखो, ऐसा होता है कि जब हम रेड करते हैं तो रेड करने के बाद कभी कभी हमें 20 लेवल का पोकेमॉन मिलता है, और वेदर बूस्टेड रहा तो वो 25 लेवल का मिलता है, ठीक है। एंड जब आप वाइल्ड में कैच करते हो तो वहां पर आपको कभी कभी 30 लेवल मिलता है, कभी कभी 20 लेवल, एंड उससे नीचे भी मिलता है, ठीक है, लेवल जीरो भी मिलता है कभी कभी। तो गाइस क्या होता है, जब आप कोई भी पोकेमॉन को देखो, मैक्स लेवल होता है 50, किसी भी पोकेमॉन का मैक्स लेवल होता है 50। तो किसी भी पोकेमॉन को मान लो कि आपके पास 20 लेवल का पोकेमॉन है, तो 20 लेवल पोकेमॉन को जब आप 50 लेवल तक इंक्रीज करोगे, कैसे इंक्रीज करना है उसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो लेवल अप करने के लिए आपको चाहिए कैंडी प्लस एक्सेल कैंडी, तो ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी लेवल अप हम लोग क्यों करें पोकेमॉन को, क्योंकि गाइस जब आप GBL में बैटल करोगे, फाइट करोगे, तो जब आप एक मैक्स आउट लेवल पोकेमॉन लेके जाओगे तो सोच रहे हो वो बैटल कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड अगर आप फ्यूचर में ई-स्पोर्ट आने के बाद अगर आप GBL बैटल प्ले करना चाहते हो, तब तो आपको पोकेमॉन मतलब लेवल अप करना है, ठीक है। तो टोटल डिटेल्स बताने वाला हूं कैसे आपको ये कैंडीज गेट करना है, क्योंकि लेवल अप करने के लिए हमें कैंडीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हो, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो मेरे भाई, सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। एंड गाइस वीडियो में लाइक जरूर कर देना, क्योंकि गाइस 20K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद Q&A वीडियो आने वाला है, जहां पर आप लोग मुझे क्वेश्चन करोगे, मैं आंसर देने वाला हूं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, कैंडी गेट करने के लिए फर्स्ट जो स्टेप है, ठीक है। तो गाइस किसी भी पोकेमॉन का अगर आपको कैंडी गेट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं वाइल्ड पोकेमॉन में, तो आपको वो वाइल्ड पोकेमॉन को बहुत ज्यादा करके कैच करना है। एक वाइल्ड पोकेमॉन कैच करने के बाद आपको 3 to 5 मतलब 3 to 5 कैंडी मिलता है, वो हर एक पोकेमॉन के लिए अलग अलग है, किसी पोकेमॉन में 3 मिलता है, किसी पोकेमॉन में 5 भी मिलता है, ठीक है। तो आपको अगर वो पोकेमॉन का मान लो कि आपको चार्मेंडर पोकेमॉन का बहुत सारा कैंडी चाहिए, एंड आपको चारिज़ार्ड को लेवल 50 तक लेके जाना है, एंड उसको मेगा इवॉल्व करना है, तो उसके लिए आपको चार्मेंडर पोकेमॉन को ढेर सारा मतलब बहुत ज्यादा करके आपको कैच करना पड़ेगा। जैसे कम्युनिटी डे में ढेर सारा करके चार्मेंडर पोकेमॉन आता है, तब आपको ढेर सारा चार्मेंडर पोकेमॉन को कैच करना पड़ेगा वाइल्ड से। तो गाइज अभी यहां पर और एक ट्रिक्स आपको यूज करना है, आपको सिंपली येलो पिनैप बेरी, मतलब जब भी आप एक पोकेमॉन को कैच कर रहे हो, कैच करने के टाइम आपको एक येलो पिनैप बेरी यूज करना है। एंड अगर आपके पास सिल्वर पिनैप बेरी है तो आप उसको यूज करना, फिर तो आपको और भी ज्यादा कैंडी मिलेगा। ये ट्रिक्स को आपको अप्लाई करना है आप जब भी कोई पोकेमॉन को कैच करो कैंडी ग्राइंड करने के लिए, ठीक है। तो गाइस अभी आते हैं, देखो वाइल्ड पोकेमॉन तो हो गया, लेकिन गाइस कुछ ऐसा पोकेमॉन से जो हमें वाइल्ड में नहीं मिलता, लाइक जैसे जो हमें रेड्स में मिलता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मान लो कि गेनीसेक्ट पोकेमॉन जिसका रेड अभी चल रहा है, ठीक है, कमेंट करके बताओ आपको शाइनी मिला है कि नहीं। तो गाइस देखो, गेनीसेक्ट पोकेमॉन का जो रेड चल रहा है, तो गेनीसेक्ट पोकेमॉन का कैंडी अगर आपको ज्यादा करके गेट करना है, तो उसके लिए आपको गेनीसेक्ट पोकेमॉन का रेड ज्यादा करके करना है। एंड गाइस आप लोगों को पता है, जब आप गेनीसेक्ट पोकेमॉन का रेड करोगे तो गाइस आपको यूज करना है, देखो आप तो गोल्डन रसबेरी यूज करोगे कैच करने के लिए, ठीक है, लेकिन अगर आप सिल्वर पिनैप बेरी को यूज करके कैच कर सकते हो गेनीसेक्ट पोकेमॉन को, ठीक है, जो बहुत ही मुश्किल होता है, फिर भी अगर कैच हो गया तो वहां पर आपको ज्यादा करके कैंडी मिलेगा, एंड आपको रेड भी बहुत ज्यादा करके करना है जिससे आपको कैंडी ज्यादा करके मिले, ठीक है। तो गाइस ऐसे आप वाइल्ड एंड रेड से कैंडी गेट कर सकते हो। अभी आते हैं सेकेंड प्रोसेस। तो गाइस देखो, पोकेमॉन गो में ऐसा ढेर सारा मिशन होता है जहां पर हमें 2x कैंडी एंड 3x कैंडी का मिशन मिलता है। लाइक जैसे मैं आपको बताता हूं, कुछ इवेंट्स होता है जैसे स्पॉटलाइट आवर, उसके बाद देखो बहुत सारा ऐसा स्पॉटलाइट आवर होता है जहां पर हमें 2x करके कैंडी मिलता है। ऐसा भी कुछ मिशन होता है जैसे स्पॉटलाइट आवर में, जहां पर हमें वो पोकेमॉन का 3x करके कैंडी मिलता है, तो आप ये टाइम में भी कैंडी को ग्राइंड कर सकते हो। तो गाइस वो मिशन में भी मैं आपको एक ट्रिक्स बताने वाला हूं, आपको सिंपली क्या करना है, अगर 2x मिशन रहा तो वहां पर आपको
जो पिनएपबेरी होता है एंड सिल्वर पिनएपबेरी होता है वो भी आपको यूज करना है। प्लस गाइज अगर 3x कैंडी मिशन रहा तो वहां पर जब आप मतलब जो बेरीज है उसको यूज करोगे तो भाई साहब ढेर सारा आपको कैंडी मिलेगा, तो ये भी एक अच्छा ट्रिक है। तो गाइज उसके बाद आते हैं जो नेक्स्ट ट्रिक से। तो गाइज देखो नेक्स्ट जो ट्रिक से वो क्या है, वो है बडी। मान लो कि अभी एक चीज मैं आपको बताता हूं, मान लो कि आपको मैजिकार्प का कैंडी चाहिए क्योंकि गैराडोस में इवॉल्व करने के लिए वहां पर हमें 400 कैंडी चाहिए, ठीक है। तो गाइज अभी वाइल्ड में आपको मैजिकार्प नहीं मिल रहा है, तो गाइज आप कैसे कैंडी गेट कर सकते हो? सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, मैजिकार्प को आपको बडी बनाना है। बडी बनाने के बाद आपको मैजिकार्प के साथ वॉक करना है, ठीक है। जब आप वॉक करोगे तो स्पेसिफिक एक डिस्टेंस में, देखो ये हर एक पोकेमोन का अलग अलग होता है, किसी किसी पोकेमोन का 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, किसी किसी पोकेमोन का 20 किलोमीटर भी होता है। मतलब 20 किलोमीटर वॉक करने के बाद आपको एक कैंडी मिल रहा है, एंड किसी किसी पोकेमोन में 2 किलोमीटर वॉक करने के बाद आपको एक कैंडी मिल रहा है, किसी किसी पोकेमोन में तो 1 किलोमीटर में ही मिल जाता है। तो गाइस अभी मैं एग्जांपल में बताता हूं, लाइक जैसे आपको मैजिकार्प को कैच करना है, तो जब आप मैजिकार्प को वाइल्ड में आपको मैजिकार्प नहीं मिल रहा है तो मैजिकार्प को आपको सिंपली बडी बनाना है, एंड बडी बनाने के बाद आप उसके साथ वॉक करो, आपको ढेर सारा कैंडी मिल जाएगा। एंड जैसे मैं आपको बताता हूँ फिलहाल मेरे पास ढेर सारा मैजिकार्प का कैंडी है, एंड मैंने ये टेक्निक को यूज करके गेन किया है, ठीक है। तो गाइस जाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। आप लोगों को पता है जब हम रेड करते हैं तो रिवॉर्ड में कभी कभी हमें रेयर कैंडीज मिलता है, एंड जब हम जीबीएल बैटल करते हैं तो रिवॉर्ड में रेयर कैंडी मिलता है, तो ये रेयर कैंडी बहुत ज्यादा करके कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो गाइस सिंपली आपको क्या करना है, रेयर कैंडी यूज करना है, आप जो भी पोकेमोन को लेवल अप करना चाहते हो। लेकिन गाइस यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आप एक नॉर्मल पोकेमोन लाइक जो पोकेमोन हमें वाइल्ड में मिलता है, अगर वो पोकेमोन के ऊपर रेयर कैंडी यूज करते हो तो आप बहुत ही गलत काम कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि गाइस वो तो आपको वाइल्ड में मिल जाएगा, एंड वहां से आप कैंडी गेट कर सकते हो। तो आप क्या करते हो, जल्दबाजी में कभी कभी वो पोकेमोन के ऊपर रेयर कैंडी यूज कर देते हो। तो आपको देखो रेयर कैंडी किसके ऊपर यूज करना है, लाइक जो मिथिकल पोकेमोन होता है जो हमें रेड में मिलता है। एंड गाइस देखो जैसे मैं आपको बताता हूं गेनिसेक्ट पोकेमोन, तो गेनिसेक्ट पोकेमोन को अगर आप लेवल 50 तक लेके जाना चाहते हो तो आपको ढेर सारा कैंडी चाहिए। तो गाइस उतना रेट तो आप नहीं कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप उतना कैंडी गेट करना चाहते हो तो तब आप क्या कर सकते हो, रेयर कैंडी गेनिसेक पोकेमोन के ऊपर यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप चारिज़ार्ड के ऊपर रेयर कैंडी यूज कर रहे हो तो आप बहुत ही गलत काम कर रहे हो, क्योंकि आपको चार्मेंडर तो वाइल्ड में मिलेगा, नेक्स्ट मंथ मिलेगा, बहुत लोग पूछते थे, तो नेक्स्ट मंथ जो मेगा कम्युनिटी डे होने वाला है वहां पर आपको मिलने वाला है चार्मेंडर, ठीक है। तो गाइस इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है, लेकिन गाइस देखो ये नेक्स्ट जो पॉइंट है यहां पर बहुत कम हमें मिलता है, लाइक वो है स्पेशल रिसर्च एंड फील्ड रिसर्च, कभी कभी टाइम रिसर्च में भी। देखो कुछ ऐसा मिशंस रहता है जो कंप्लीट करने के बाद हमें किसी किसी पोकेमोन का कैंडीज मिलता है, जैसे फायर टाइप, ग्रास टाइप, ऐसे कैंडीज मिलता है, ठीक है। लेकिन जो हमें बहुत कम मिलता है, ठीक है, एंड ऐसा मिशन भी कम आता है, तो ये एक पॉइंट है लेकिन कभी कभी काम में आता है। लेकिन जो मैंने पहले आप लोगों को पॉइंट कहा है वो सब डेली आपको फॉलो करना है, डेली। अगर आप डेली फॉलो करोगे तो आपके पास ढेर सारा कैंडीज हो जाएगा, एंड किसी भी पोकेमोन को आप लेवल अप कर सकते हो, लेवल 50 तक लेके जा सकते हो, एंड जीबीएल बैटल के लिए तो खतरनाक होने वाला है। तो गाइस यही था आज का वीडियो, कैसे आपको कैंडीज को गेट करना है। आई होप आपको हेल्प मिला है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, एंड वीडियो में अब भी जाकर लाइक कर दो। चलो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।